मेहनत अगर लगन से की जाए तो अच्छे परिणाम मिलना तय होता है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे हम 9 जून के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन रिपीट आएंगे, तो आपको इन 5ों प्रश्नों के जवाब भी देने। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा रखने बाद आप इसकी PDF फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के PDF लिंक मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप चैनल मिले तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व महासागर दिवस जो है ये कब मनाता है। तो देखिए, विश्व महासागर दिवस को हम 8 जून को हर साल मनाते हैं, और 2021 के विश्व महासागर दिवस का विषय है द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। और देखिए, जो आपका ये विश्व महासागर दिवस है, ये दिन हमारे जीवन में समुद्र के महत्व और उन तरीकों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जिनके माध्यम से हम इसकी रक्षा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है कि 8 जून को विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है, और 2021 के लिए थीम क्या थी इसकी, द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। देखिए, जो आपका विश्व महासागर दिवस है तो ये कब मनाना स्टार्ट हुआ, इसका विचार कब आया, ये पूरा डिटेल में जान लीजिए। देखिए, कनाडा की सरकार ने 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में विश्व महासागर दिवस की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था कि भैया ये दिवस मनाया जाए ताकि समंदर के बारे में महासागर के बारे में लोगों को जो है जागरूक किया जा सके। देखिए, आधिकारिक तौर पर विश्व महासागर दिवस की जो स्थापना है ये 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी, जो कि मुद्दों को हल करने के लिए 8 जून को दुनिया भर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। याद रखिएगा, 8 जून का तिथि, 8 जून को हम क्या मनाते हैं, विश्व महासागर दिवस। और देखिए, दूसरा प्रश्न है कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कितने भारतीय शिक्षण संस्थानों को टॉप 100 की सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए, टोटल 3 भारतीय शिक्षण संस्थानों को जो है टॉप 100 की सूची में शामिल किया गया है। ये 3 भारतीय शिक्षण संस्थान आपके हैं, IISc बेंगलुरु जो कि 37वें स्थान पर है इस सूची में, और इस टॉप 100 की सूची में जो आपका भारत का IIT रोपण है ये 55वें स्थान पर है, और तीसरा आपका है IIT इंदौर, ये जो है टॉप 100 की सूची में 78वें स्थान पर है। तो 37वां, 55वां और 78वां स्थान भारत के 3 शिक्षण संस्थानों को मिला है, इसको याद रखिएगा। और देखिए, पिछले साल की तरह इस साल भी एक भी भारतीय विश्वविद्यालय टॉप 10 में नहीं आ सका। तो टॉप 10 की सूची में भारत के एक भी विश्वविद्यालय नहीं है या फिर शिक्षण संस्थान नहीं है, और टॉप 100 में कितने हैं, टोटल 3 हैं। तीनों के नाम मैंने आपको बता दिए, IISc बेंगलुरु और IIT रोपड़ और IIT इंदौर। और देखिए, जो आपका चीन का सिंघुआ विश्वविद्यालय है ये इस सूची में पहले स्थान पर है, यानी कि जो आपका टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 है इसमें चीन का सिंघुआ विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है, और इसमें दूसरा स्थान जो है ये चीन के ही पेकिंग यूनिवर्सिटी को मिला है। तीसरा और पांचवा रैंक जो है ये सिंगापुर के विश्वविद्यालयों ने जीता है, और जो आपका हांगकांग यूनिवर्सिटी है ये चौथे स्थान पर है इस टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से पूरे डिटेल को नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे एक एक पॉइंट से एक एक प्रश्न बन सकता है। देखिए, मेरा मोटो यही होता है कि लिखित रूप से आपको जो ये स्क्रीन पे जो सारे मटेरियल्स मिलते हैं तो इससे आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको स्टोर कर सकते हैं। बाकी करंट चैनल वाले क्या करते हैं, बस ऐसे बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, चले जाएंगे। देखिए, मेरा मोटो होता है कि आपके पास एक अच्छा नोट्स हो, ठीक है। तो करंट अफेयर सेशन समाप्त होने के बाद एक पूरा जो है बढ़िया नोट्स आपके पास होता है डिटेल वाला, इसको आप आराम से नोट कर लिया कीजिए और एग्जाम के समय में रिवीजन करके जाया कीजिए। और रिवीजन का एक और मैंने माध्यम बना दिया है, केवल 1 मिनट में आपको पूरे दिन का करंट अफेयर रिवाइज कराया जाता है, और उस वीडियो के लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न, ये किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। तो देखिए, जो आपके साहिब अब्दुल्ला हैं ये मालदीव के जो है विदेश मंत्री हैं वर्तमान में, ठीक है। याद रखिएगा, साहिब अब्दुल्ला मालदीव के विदेश मंत्री हैं, और इन्होंने भी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। और देखिए, जो आपके साहिब अब्दुल्ला हैं तो इनका अध्यक्ष रूप में जो कार्यकाल होगा ये 2021-22 के लिए होगा,
और जो अभी हाल ही में चुनाव हुआ था संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का, तो इसमें मालदीव को कुल 143 वोट मिले थे और अफगानिस्तान को कुल 48 वोट ही मिले थे। और गौरतलब कि भारत ने भी जो है मालदीव को ही समर्थन दिया था। यूनाइटेड नेशंस की बात कर लेते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो है, इसके सेक्रेटरी जनरल वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 2022 से 2024 की अवधि के लिए चुना गया है। तो देखिए आपको बता दूं, अभी हाल ही में भारत को जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022 से 2024 की अवधि के लिए चुना गया है। और देखिए जो आपका ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है, ये जो है संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के केंद्र में है और एक स्थायी दुनिया के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए लोगों और मुद्दों को एक साथ लाता है। और जो आपका संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देखिए हिंदी और अंग्रेजी में बताने का मोटो ये होता है, कभी कभी जो है अंग्रेजी वाला ही शब्द जो है हिंदी में ऐसे लिख देगा यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो आप कन्फ्यूज जाएंगे, और कभी कभी हिंदी में दे देगा तो इंग्लिश, तो ऐसे मतलब कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बताता हूँ। देखिए जो लोग बाइलिंगुअल होते हैं वो सक्सेसफुल भी होते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई सारे प्रश्न होते हैं उनको हिंदी में नहीं समझ में आते, इंग्लिश में आते हैं, और कई सारे इंग्लिश वाले प्रश्न होते हैं वो हिंदी में समझ में आते हैं। तो दोनों भाषाओं को जानिए और एग्जाम में सफलता लीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद को अंग्रेजी में हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 26 जून 1945 को हुई थी। इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं ओ जून, और इसका एब्रिविएशन है यानी कि इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, ECOSOC, ठीक है। तो ये आपका यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में है, इसको याद रखिएगा। और देखिए अगर आप UPSC और PCS की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि UP PCS, बिहार PCS, MP PCS, झारखंड PCS, या फिर किसी भी राज्य के PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो हर राज्य के जो है PCS एग्ज़ाम के लिए ग्रेडअप पे आपको जो है ऑनलाइन कोर्सेज, लाइव कोर्सेज मिल जाएंगी एक्सपर्ट के द्वारा। इसमें आपको फुल गाइडेंस मिलेगा, ये कोर्सेज बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाएंगी। इसमें आपको लाइव कोर्सेज और पूरा कंटेंट मिलेगा एग्ज़ाम के लिए, और इसमें जो है आप ये कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। नीचे ग्रेडअप की वेबसाइट की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करके आपको क्लिक करते समय एक कोड डालना है eGuru50, ठीक है। ये कोड आप अगर डालेंगे तो आपको मेरे तरफ से 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 50% मतलब 3 महीने का सब्सक्रिप्शन 4000 रुपये का है, तो इसमें आपको केवल ये 2000 रुपये में ही मिल जाएगा। देखिए 2000 रुपये तो आपका किराया लग जाता होगा अगर आप कोचिंग जाते होंगे महीने का, तो घर बैठे तैयारी कीजिए और पैसे बचाइए। पांचवा प्रश्न की, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। तो देखिए पीएम मोदी ने भी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर E100 नाम का एक पायलट प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया था, और इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। देखिए कल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, कल मैंने E400 बोल दिया था तो वो गलती से हो गया था, अभी आप सुधार कर लेंगे, क्योंकि देखिए गलती सुधारना ही, गलती को स्वीकारना ही सबसे महान काम होता है। कभी भी गलती हो तो अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। तो कल मुझसे गलती हुई थी और उसके लिए सॉरी आपको। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने जो है E100 पायलट प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया था, और ये परियोजना किससे संबंधित है, इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करने से। देखिए इथेनॉल को हम एथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, C2H5OH, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप, एक नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा एग्जाम में। छठा प्रश्न की, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहाँ वोट वहाँ वैक्सीन अभियान को शुरू किया है। तो देखिए जहाँ वोट वहाँ वैक्सीन अभियान को दिल्ली की सरकार ने शुरू किया है, और इस अभियान के तहत दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई यानी कि भरपूर मात्रा में अगर दिल्ली को वैक्सीन मिला, तो ये 4 हफ्तों के अंदर 45 साल के ऊपर की उम्र के जितने व्यक्ति हैं सबको दिल्ली में वैक्सीन लगवा देंगे। सातवां प्रश्न की, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने हेतु कितने करोड़ डॉलर के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृत किया है।
तो देखिए ये अमाउंट आपका है 50 करोड़ डॉलर। फिर से सुन लीजिए ध्यान से और दिमाग में बैठा लीजिए कि हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जो है जो क्षेत्र हैं उनको प्रोत्साहन देने हैं, जो टोटल 50 करोड़ डॉलर के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृत किया है। और देखिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपका है 5,50,000 उद्यमों को के प्रदर्शन में सुधार करना। और देखिए जो आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र है, इसकी सहायता के लिए ये विश्व बैंक का दूसरा कार्यक्रम है। इससे पहले जो आपका विश्व बैंक है ये पिछले वर्ष जो है जुलाई में 75 करोड़ डॉलर के आपात कार्यक्रम को जो है मंजूर कर चुका है। और विश्व बैंक के बारे में जान लीजिए क्योंकि ये तीन चीज़ें आप अगर जानेंगे तो 3 नंबर एग्जाम में आपको मिल सकता है। पहला ये कि जो आपका विश्व बैंक है इसके प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मलपासी है। और दूसरा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, जुलाई 1944 में हुई थी। ये तीनों चीज़ें रखिएगा। 8वां प्रश्न कि विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस को हम मनाते हैं 8 जून को हर साल। और पहली बार जो आपका विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस है इसे जो है जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया था। ये संगठन जो आपका है जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन ये लोगों को ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूक करने का काम करता है। तो 8 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। 9वां प्रश्न कि 2024 में पहले फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी हॉकीज 5S विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, तो देखिए 2024 में जो आपका FIH हॉकी 5S विश्व कप होगा इसकी मेजबानी ओमान करेगा। और ओमान में जो है इस इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा जनवरी 2024 में ओमान की राजधानी मस्कट में। और इसमें पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी के इवेंट जो है जनवरी 2024 में ही होंगे ओमान की राजधानी मस्कट में। और देखिए जो आपका FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है इसके कार्यकारी बोर्ड ने 2019 में हॉकी 5S विश्व कप के शुभारंभ की घोषणा की थी। और लॉन्च के रूप में हॉकी 5S खेल जो है एक तेजी से लोकप्रिय प्रारूप बन गया है वर्तमान में, जिसे छोटी पिच पर खेला जाता है। और ये जो है पिछले 2 ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों में प्रदर्शित भी हो चुका है। FIH जो आपका ये 5S फॉर्मेट है किसका, हॉकी का। 10वां प्रश्न है कि किस भारतीय निकाय को संयुक्त राष्ट्र के CEO वाटर मैंडेट में शामिल किया गया है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के CEO वाटर मैंडेट में अभी हाल ही में NTPC लिमिटेड को शामिल किया गया है। देखिए जो आपका विद्युत मंत्रालय भारत का है, ठीक है, तो विद्युत मंत्रालय के तहत भारत की जो सबसे बड़ी बिजली उपयोगता कंपनी है NTPC लिमिटेड, इसको संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के CEO वाटर मैंडेट के लिए अभी हाल ही में एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में चुना गया है, जो कि कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान देता है। यानी कि NTPC क्या करता है, पानी की सेविंग करता है, पानी को बचाता है, इसलिए इसको ये सम्मान दिया गया है, ठीक है। तो CEO वाटर मैंडेट क्या है, ये जो है UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट की एक पहल है जिसे दीर्घकालिक सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में अपने पानी और स्वच्छता एजेंडे को बेहतर बनाने के लिए व्यापक जल रणनीति और नीतियों के विकास कार्यान्वयन और प्रकटीकरण में कंपनियों की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। और NTPC कंपनी जो आपका है देखिए इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं श्री गुरदीप सिंह। NTPC की स्थापना 1975 में की गई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 11वां प्रश्न की हाल ही में पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक यानी कि यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रीस्टोरेशन आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया है, ये 2021 से कब तक चलेगा, तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर जो संयुक्त राष्ट्र दशक है ये आपका 2021 से स्टार्ट हुआ है और ये 2030 तक चलेगा। देखिए आपको बता दूँ पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। और आपको बता दूँ संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इसने 2019 में इस प्रस्ताव की घोषणा की थी और इसको इस पर अमल किया गया, इसको शुरू भी कर दिया गया। तो आपको फिर से प्रश्न को सुनना है, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक यानी कि यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पर आधिकारिक तौर पर जो है एक कार्यक्रम शुरू किया गया हाल ही में, ये 2021 से 2030 तक चलेगा। 12वां की स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है, तो देखिए स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे ऊपर यानी कि पहले स्थान पर आपका पंजाब है।
देखिए पंजाब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 1000 में से 929 के स्कोर के साथ इस चार्ट में पहले स्थान पर, यानी कि सबसे पहले पोजीशन पे है, सबसे ऊपर वाले पोजीशन पे। और इस सूची में चंडीगढ़ 912 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है और तमिलनाडु 906 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। और देखिए जो आपका ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, ये क्या करता है, ये राज्यों को स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन को जो है उत्प्रेरित करने के लिए सीखने के परिणामों और गुणवत्ता, पहुंच, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं, इक्विटी और शासन प्रक्रियाओं से संबंधित 70 मापदंडों के एक सेट पर रैंकिंग प्रदान करता है। 13वां प्रश्न है कि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किसको अभी हाल ही में HSBC इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके कौन है, हितेंद्र दवे हैं। याद रखिएगा जो आपका हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसने अभी हाल ही में अपने इंडिया के ब्रांच के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में हितेंद्र दवे को अपॉइंट किया है। देखिए जो आपका आपके हितेंद्र दवे हैं, ये इस पद पर सुरेंद्र रोसा की जगह लेंगे। सुरेंद्र रोसा जो है, इनको क्या किया गया है, अभी हाल ही में हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के एशिया पैसिफिक के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जो है हांगकांग भेज दिया गया है। और HSBC बैंक की बात करें तो देखिए इसके सीईओ हैं नोएल क्वीन, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में, और इसके संस्थापक हैं थॉमस सदरलैंड, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 3 मार्च 1865 को हांगकांग में। 14वां प्रश्न, किस राज्य की वाटर ब्यूरिल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की फिल्म वाटर ब्यूरिल को। देखिए वाटर ब्यूरिल फिल्म जो है, ये स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन द्वारा निर्देशित है। वाटर ब्यूरिल जो है ये AM टेलीविजन के द्वारा निर्मित है। वाटर ब्यूरिल जो है ये आपका मोनपा बोली में बना हुआ है और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थानीय जनजाति के द्वारा जो है ये बोला जाता है भाषा, और उसके जो है ये यानी कि एक स्थानीय जनजाति के अंधेरे अनुष्ठान के आसपास की दिलचस्प कहानी है वाटर ब्यूरिल। और ये जो है लोकप्रिय असमिया उपन्यास जिसका नाम है सबा कोठा मनु, ठीक है, इससे प्रेरित है, जो ये से दोरजी थोंगची के द्वारा लिखा गया है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाता है, इसका आंसर बताइए। देखिए जो शॉर्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ दूसरे यूट्यूब चैनल पे, उसको जरूर देखा कीजिए, 1 महीने में 1 मिनट में पूरे दिन का रिवीजन आपका हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और हमारा जो कम्युनिटी टैब होता है वहाँ मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि वर्ल्ड पेस्ट डे यानी कि विश्व कीट दिवस, जिसको विश्व कीट जागरूकता दिवस भी कहते हैं, ये कब मनाता है बताइए। और तीसरा कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है बताइए। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दी है बताइए। पांचवा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है बताइए। और हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिएगा पहला प्रश्न था कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसने जीता है, तो इसको डेविड ड्यूप ने जीता है। और दूसरा था कि हाल ही में किसने सेज यानी कि सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन नाम का एक पहल और पोर्टल शुरू किया है, तो इसको थावर चंद गहलोत ने अभी हाल ही में शुरू किया। और तीसरा था कि हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT की प्रधान पीठ ने किस राज्य में विश्वामित्री नदी कार्य योजना को लागू करने का निर्देश दिया, तो ये राज्य कौन सा है, गुजरात है। और चौथा था कि हाल ही में बिलगेट्स और यूरोपीय संघ ने ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए कितने बिलियन डॉलर जुटाने की प्रतिबद्धता जताई है, तो ये अमाउंट है कितना, 1 बिलियन डॉलर। और पांचवा था कि हाल ही में किस देश में दुनिया के पहले कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल सीमेंट प्लांट का शिलान्यास किया गया, तो ये देश आपका कौन सा है, स्वीडन है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।